हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा आप लोगों के साथ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी ना 10 या 11 बज रहे हैं। सुबह का नाश्ता वगैरह तो सब हो गया है, तो बस मैं यहां पर बेडरूम को सही कर रही हूं, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं बेडरूम को ठीक कर दूँ और विहान भी लेट तक सोता रहता है। तो वही मैं बेडशीट वगैरह ठीक से लगा रही हूँ अभी। और इसके बाद ना मुझे अपनी ज्वेलरी वगैरह भी सेट करके रखनी है, क्योंकि ना वो बहुत फैल गया है। बैंगल्स वगैरह भी सब एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, तो सब मैचिंग के मुझे ना एक बॉक्स में करने हैं। तो बेडशीट तो मेरी एक सी हो गई है, अब मैं जा रही हूँ अपनी ज्वेलरी वगैरह सबको एक सा करने, सबको सेट कर देने, क्योंकि करवा चौथ के बाद ना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इन सबको ठीक से लगा दूं। देखिए कैसे सब मैंने बास्केट में एक के ऊपर एक रख दिया है, तो वही मैं ठीक करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी दिवाली भी आ रहा है। तो फिर ठीक से रहता है ना तो तुरंत सामान मिल जाता है, नहीं तो फिर ढूंढते रहना पड़ता है और बहुत टाइम लग जाता है। तो वही मैं बैंगल्स को बड़े वाले डिब्बे में अरेंज करके ठीक से लगा दे रही हूँ। जो मैचिंग की हैं उनको एक पास रख दे रही हूँ। ये सब भी करने में ना बहुत टाइम लगता है। देखो तो कोई काम नहीं है, लेकिन करने बैठ जाओ ना तो फिर टाइम लग ही जाता है। और ये जो बास्केट है ना, इसमें मैं अपना डेली यूज़ का सामान रखती हूँ, जैसे कॉम्ब हो गया, काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, जिस ताकि मुझे ज़्यादा ढूँढना ना पड़े। तो बिंदी वगैरह सब मैं बास्केट में ही रखती हूँ जो डेली यूज़ करती हूँ, और इस तरह ठीक भी रहता है, ईज़िली सामान मिल जाता है मुझे। और देखिए मैंने सारी बैंगल्स को अरेंज करके लगा दिया है। और ये सारे बॉक्स हैं वाइट वाले, जिसमें मैं अपने ज्वेलरी रखती हूँ, नेकलेस हो गया या इयररिंग्स हो गई। और ये देखिए अभी ना एक पार्सल रिसीव हुआ है, जिसे हस्बैंड जो है खोल रहे हैं। तो मैंने ना शू रैक मंगाया है, अभी मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये शू रैक के पार्ट्स हैं, और इसे जोड़ करके पूरा सेट करना है। तो हस्बैंड ने एक रैक तो बना दिया है, इसके अंदर ही शूज़ रखने हैं। तो विहान भी इनकी हेल्प कर रहा है। हेल्प क्या कर रहा है, और बिगाड़ दे रहा है सामान को। तो ये फटाफट से सबको जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जो पुराना वाला शू रैक था ना वो काफ़ी ख़राब हो गया था। वो भी पोर्टेबल ही था कपड़े का, और उसमें अंदर रैक बनी हुई थी, तो 2-3 साल यूज़ करते हो गया था, तो काफ़ी ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा दिवाली से पहले मैं शू रैक मंगा लेती हूँ। तो ये मैंने ना अमेजोन या फ्लिपकार्ट से किसी से मंगाया था, ध्यान नहीं है। तो देखिए पूरा सेट हो गया है, इसमें 5 रैक हैं। और मैंने शूज़ को ना कल ही धो दिया था और सुखा भी दिया था, कुछ जो है सूख रहे हैं बाहर, तो जो धुले हुए हैं मैं उसको अंदर रख दे रही हूँ। और ये ना मैं बालकनी में कॉर्नर में रखूँगी इस शू रैक को। पहले वाला भी बालकनी में ही रहता था, तो अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं रूम में ही रख दे रही हूँ। जब ये आएंगे तो फिर बालकनी में रख देंगे। और अब मैं जा रही हूँ इस रूम की सफ़ाई करने, क्योंकि इस रूम की अभी तक मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की है। तो जाले वगैरह मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि दिवाली से पहले पूरे घर के जाले साफ़ कर देने चाहिए। जाले वगैरह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब इतना कम टाइम रह गया है, काम इतना ज़्यादा है कि मुझे लग रहा है अब कैसे होगी साफ़ सफ़ाई इतनी। और जितना भी सफाई कर लो ना कुछ रह ही जाता है। कभी ये गंदा लगता है, कभी कुछ गंदा लगता है, और डस्ट तो डेली घर में आ ही जाती है। और जाले वगैरह निकालने के बाद मैं डाइनिंग टेबल को साफ़ कर रही हूँ, तो ये भी मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया था। और चेयर में भी ना काफ़ी डस्ट, जाले वगैरह चिपक गए थे। तो आज ना मुझे ये रूम साफ़ करना है अच्छे से, पूरी डीप क्लीनिंग करनी है इस रूम की। तो मैं अच्छे से चेयर को भी पोछ दे रही हूँ, जो बीच बीच में जाले वगैरह लगे हैं मैं ब्रश से साफ़ कर दे रही हूँ। ये ब्रश ना बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर हाथ या कपड़ा नहीं पहुँचता ये इजीली अंदर चला जाता है।
और साफ कर देता है हर चीज को। और खाना वगैरह सुबह ही बना करके रख दो ना तो ठीक रहता है, फिर आराम से सफाई हो जाती है, नहीं तो फिर किचन का काम रह जाता है, खाना बनाने वाला रह जाता है, तो फिर सफाई नहीं हो पाती है। जब सफाई मुझे करनी होती ना तो मैं पूरा खाना बना करके मॉर्निंग में ही रख देती हूँ 9-10 बजे तक, जिससे कि मैं आराम से दिन भर अच्छे से पूरी सफाई कर पाऊँ। और इसी तरह हो ही पाता है जब अकेले करना होता है तो। और अब मैं जा रही हूँ फ्रिज को हटा करके, जो पीछे की जितनी भी अलमारियाँ हैं ना सबकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, सारा सामान हटाऊँगी। और इस पर भी काफ़ी डस्ट जमा हो गया है, काफ़ी महीनों से मैंने इन अलमारियों को साफ़ नहीं किया है, क्या करें टाइम नहीं मिल पाता है। और दिवाली ही ऐसा फेस्टिवल है जिसमें अच्छे से पूरा घर जो है डीप क्लीन हो जाता है। और कुछ जाले वगैरह निकले हैं तो मैं इस झाड़ू से निकाल दे रही हूँ, ये प्लास्टिक की झाड़ू मैं अंदर ही रखती हूँ इसे रूम में कॉर्नर पे। और ये विहान का फ़ोटो फ्रेम है, जब वो 10 मंथ का था ना तब मैंने ये फ्रेमिंग करवाई थी, और तभी की ये फ़ोटो भी है 10 मंथ की। तो मैंने झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ जहाँ पर गंदगी फैलती जा रही है। और अब ये जो अलमारियाँ है ना इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और अब तो 2-3 दिन रह गए हैं सैटरडे को धनतेरस है, तो मैं सोच रही हूँ कि धनतेरस से पहले पूरे घर की क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि धनतेरस वाले दिन तो मुश्किल ही है ये सब करना, और उस दिन करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उस दिन हमें शाम को पूजा भी करनी होती है। और ये सब अलमारियाँ साफ़ करने के बाद टीवी को भी मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि टीवी पर भी काफ़ी डस्ट पड़ गया था साफ़ सफाई की वजह से। और इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। और टीवी के जो पीछे का डस्ट है ना मैं ब्रश से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि पीछे हाथ नहीं पहुँचता है। तो चलिए फ्रेंड्स, साफ़ सफ़ाई तो इस रूम की हो गई है, अब मुझे बस झाड़ू लगाना बाकी है। और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।